नमो नमः स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने जो फर्स्ट चैप्टर था फोर्थ क्लास का संस्कृत वर्णमाला, उसके अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर करेंगे आज, है ना। तो मैंने इसमें लिया है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये करते हैं वर्णमाला, आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है। वर्णमाला क्या होती है, उनमें ह्रस्व दीर्घ संयुक्त क्या क्या होते हैं, वही चीजें इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है स्वर एवं व्यंजन वर्णों को छांटे। क्या है स्वर, पहले तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे दो तीन बार, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो स्वर एवं व्यंजन वर्णों को छांटे, मतलब कि स्वर और व्यंजन को आपको छांटना है कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। मैंने ये बनाया है स्वर, ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है। स्वर के आगे ऐसे लाइनें बना दो, जितने भी स्वर इसमें से होंगे उसको छांट करके हम स्वर वाली लाइन में लिखेंगे, जितने भी व्यंजन होंगे उनको छांट कर हम व्यंजन वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो स्वर कौन से है पहले इसमें, ए, कौन सा है ए, फिर उ, फिर ओ, कितने स्वर है इसमें, कितने स्वर है, तीन स्वर है। फिर हम व्यंजन छांटेंगे, तो व्यंजन कितने हैं, द, प, ग, आगे र और आगे स, कितने हो गए, फाइव व्यंजन है, एक दो तीन चार पांच, इसमें से ये अपना हो गया, ऐसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए स्वरों को वर्गों में बांटे, अर्थात नीचे स्वर दिए गए हैं आ ए ई आ उ औ, इनको आपको वर्गों में छांटना है। वर्गों का मतलब इनके वर्ग बने हुए हैं, ह्रस्व वर्ग में छांटना है, इनको तीन जगह दे दिया तो ये वर्ग हो गए, तो ह्रस्व दीर्घ संयुक्त। यहाँ कौन कौन से ये है, ह्रस्व कौन से है, दीर्घ कौन से है, संयुक्त कौन से, वो आपको है। तो ह्रस्व मैंने कौन सा बताया था, जो छोटे होते एकमात्रिक होते हैं, तो कौन से हो गए, सबसे पहले ह्रस्व अ, फिर और कौन सा है ई, कौन सा है ई, दीर्घ कौन से होते हैं, जो द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है। तो आ और कौन सा है द्विमात्रिक, ऊ, बड़ा है ना, ठीक है। अब संयुक्त जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त बोलते हैं, तो ए और औ, ठीक है, ये हो गए अपने दीर्घ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, व्यंजन वर्णों को सही वर्गों में लिखें, अर्थात ये आपके व्यंजन लिखे हुए हैं ज, थ, ण, ख, अम, ल, ये व्यंजन वर्ण है स, म, द, र, ह, इनको आपको सही वर्ग में लिखना है कि कौन सा तो क वर्ग का व्यंजन है, कौन सा च वर्ग का व्यंजन है, इनमें से कौन सा ट वर्ग का है, कौन सा त वर्ग का और कौन सा प वर्ग का, फिर अंतस्थ कौन सा है और ऊष्म कौन सा है, ये आपको बच्चों खुद करना है। कचट तक पूरा पांचों वर्ग मैंने आपको बताए हैं और ये व्यंजन आपको जरूर आते होंगे, ये आपको ऐसे वर्ग लिख के इनमें से कौन सा इनके आपको लिखना है, ठीक है ना। ये करो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, और ये अच्छे से समझ करके करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।